कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ गिरीश देवांगन को अपना प्रत्याशी बनाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले गिरीश देवांगन राजनांदगांव से चुनाव लड़ेंगे। प्रत्याशी बनते ही गिरीश देवांगन ने एक बयान देते हुए खुद को भगवान राम की तरह बताया है। गिरीश देवांगन ने कहा कि जैसे भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, वैसे ही राजनांदगांव का भांजा राम मैं हूं। दशहरा भी करीब है, उन्होंने नवरात्र की बधाई देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को उनके जन्मदिन की भी बधाई दी। उन्होंने पत्रकार वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजपा के किसान विरोधी चेहरे को उजागर किया। गिरीश देवांगन ने यह बयान रविवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के खिलाफ उतारा है, उम्मीदवार बनाया है, जिसके लिए मैं पार्टी के हाईकमान के और सभी नेताओं के आभारी हूं और उनके आशीर्वाद से मुझे पूरा विश्वास है और कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम लोग अवश्य ही राजनांदगांव में 15 साल के मुख्यमंत्री को हराएंगे। जहां तक मेरी बात है, मैं पेशे से विशुद्ध किसान हूं, खेती किसानी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और पार्टी में ब्लॉक स्तर से लेकर युवक कांग्रेस से लेकर आज तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो भी जवाबदारी सौंपी है उसका निर्वहन किया हूं। एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। कार्यकर्ता की पहचान कांग्रेस पार्टी ने की है। ये चुनाव उस डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ है जिन्होंने 15 साल में छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ लगातार धोखा ही किया है। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी किसान आत्महत्या नहीं करता था, लेकिन ये 15 साल के छत्तीसगढ़ में किसान विरोधी नीतियों के चलते हजारों किसानों ने आत्महत्या की। इन्होंने 2008-2013 के चुनाव में किसानों को 2100 रुपया धान की कीमत, 300 रुपया बोनस देने का वादा किया था, लेकिन वो भी नहीं किया। ये इनका किसान विरोधी चेहरा बताता है। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी 2018 में जब 2500 रुपया माननीय भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार जब किसानों को देने जा रही थी, तो उसमें रोड़ा अटकाने का काम यदि किसी ने किया है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और बराबर के हिस्सेदार पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी रहे हैं, जो इनका किसानों के प्रति रवैया प्रदर्शित करता है। यह चुनाव उन रमन सिंह के खिलाफ है जिनके शासनकाल में नसबंदी कांड,